हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्किल्स। इन दिस वीडियो आई शैल टीच यू सम सेंटेंसेस व्हिच अपीयर टू बी वेरी इजी, बट व्हेन यू वांट टू स्पीक यू डोंट गेट वर्ड्स। इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो दिखने में सरल है लेकिन इंग्लिश में बोलना बहुत कठिन है। इस वीडियो को अंत तक देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। कैसे कहोगे इंग्लिश में? फ्रेंड एक्सीडेंट? नो। फिर माय फ्रेंड गॉट एक्सीडेंट? नो। थिंक, If you are not getting it, let me explain. It is my friend met with an accident. My friend met with an accident, यानी कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। सेकेंड सेंटेंस है, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? तो क्या होगा इसका? Why always after me? हाँ, somewhat. The answer is, why are you always after me? The third sentence is, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। कैसे बोलोगे? You get nothing from this, ऐसा कुछ future tense है, will shall लगना चाहिए। So you will get, कैसे बोलोगे? Get नहीं बोलना है। You will gain nothing with this, you will gain nothing with this, आपको इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगला सेंटेंस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कहना आसान है, करना मुश्किल। इजिली सेड, डिफिकल्ट डन। नहीं, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। और सेड इजिली, डन डिफिकल्ट, ये भी ठीक नहीं लग रहा। फिर इसको बोलते हैं बेटर सेड देन डन। बेटर सेड देन डन, यानी कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। खबर सुनकर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? आफ्टर लिसनिंग न्यूज, How they reacted? Proper sentence is, What was their reaction on hearing the news? What was their reaction on hearing the news? खबर सुनकर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? अगला sentence है, काम पूरा होने पर उन्होंने राहत की सांस ली। ये राहत की सांस लेना, चलो कोशिश करते हैं। When they finished work, they relaxed. नहीं, रिलैक्स तो आराम करना होता। After finishing work, they took deep breath. वो तो गहरी सांस हो। तो फिर इसका आंसर है, दे हीव ए साई ऑफ रिलीफ ऑन कंप्लीटिंग द वर्क। हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, यानी कि राहत की सांस लेना। दे हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ ऑन कंप्लीटिंग द वर्क, काम पूरा होने पर उन्होंने राहत की सांस ली। अब अगला सेंटेंस है,
आप किसी काम के नहीं हो, बोलोगे? यू नो वर्क, लेकिन किसी नहीं है इसमें। यू नो एनी वर्क? नहीं, यह भी नहीं जम रहा है। इसका आंसर है यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग, आप किसी काम के नहीं हो। अगला सेंटेंस, सब खाने पर टूट पड़े। ऑल जम्प्ड ऑन फूड। ठीक लग रहा है। ऑल जम्प्ड ब्रेक फूड। नहीं, ऐसा तो सेंटेंस नहीं बने। तो फिर क्या बने? इसका आंसर होता है ऑल पाउंस्ड ऑन द फूड। सब खाने पर टूट पड़े। ऑल पाउंस्ड ऑन द फूड, पाउंस्ड यानी कि झपटना, टूट पड़ना। अगला सेंटेंस है अंदर आते समय अपना सर संभालो। कैसे बोलूं? When come in, take your head, या when you are coming in, take care of your head। ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर आते समय अपना सर संभालो। Mind your head while coming in। Mind your head while coming in। अंदर आते समय अपना सर संभालो। माइंड योर हेड यानी कि ध्यान रखो। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा संभालो। माइंड योर टंग, अपनी जुबान संभालो। और व्हाइल हम लोग तब लगाते हैं जब एक काम के साथ में दूसरा काम होता है। डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग, खाना खाते वक्त बात नहीं करो। जब दो काम साथ में होते हैं तब हम लोग व्हाइल लगाते हैं। यहां पर भी अंदर आते वक्त अपना सर संभाल, दूसरा काम दिया जा रहा है तो तब हम लोग व्हाइल लगा रहे हैं। माइंड योर हेड व्हाइल कमिंग इन, अंदर आते वक्त अपना सर संभाल। तो दोस्तों, कैसे लगे मेरे ये सेंटेंसेस और उनके एक्सप्लेनेशन? मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।